हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता। आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी लोग के लिए रेसिपी लेकर आ गए हैं। तो चलिए बनाना माँ की रसोई घर में शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए दाल है। ये दिन में दाल बना था, वो बच गया है, तो रात में हम इस दाल का खाने में यूज़ करेंगे। तो इसका हम बनाने जा रहे हैं दल पिट्ठी, जिसे आप दल घुसरी भी बोल सकते हैं और इसे आप दाल की दुल्हन भी बोल सकते हैं। तो इस दाल में हम बनाएंगे दल पिट्ठी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दाल में हम पानी डाल लेते हैं एक गिलास जैसे। दल पिट्ठी को इसमें जब डालेंगे आटे का बना के तो पकेगा। तो देखिए, आटे को हमने सान कर ले लिया है। जिस तरह रोटी के लिए आटा सानते हैं, उसी तरह दल पिट्ठी के लिए भी आटा सानेंगे। तो अब इसमें से हम एक बड़ा सा लोइया ले लेंगे और इसे इस तरह लंबा करते हुए गोला बना लेंगे। तो इतना बड़ा बड़ा गोला काटेंगे। सभी को पहले इस तरह गोला काट लेते हैं। थोड़ा हम गोला लिए हैं तो इसे हाथ में रख कर और इस तरह गोल गोल कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे तो गोला अच्छा बनेगा। देखिए इस तरह बना बना कर गोला रख लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सूखा आटा डाल लेंगे और एक गोला लेंगे और इसे बेलेंगे। तो इस तरह पूरी से थोड़ा छोटा छोटा बेल लेंगे। यहाँ पे हम कुछ पुड़िया जैसे बेल के ले लिए हैं। अब इसे इस तरह लेंगे और देखिए इसे बीच में इस तरह उंगली को करके और इस तरह इसे चिपका देंगे। तो ये फूल जैसा बन जाता है। ध्यान से देखिए, इस तरह उंगली को बीच में रखेंगे दोनों हथेली की उंगलियों को और इस तरह दबाते हुए बीच में चिपका देंगे। ये बहुत सारे डिजाइन से बनता है फूल। ये चार कली का है, छह कली का भी बनता है। हम चार कली का ही बना रहे हैं। और एक तो डिजाइन आप लोगों को बता देते हैं। ये इस तरह एक तरफ का लेकर दूसरे साइड में इस तरह बीच में चिपका दीजिएगा और पीछे से इसे इस तरह लाके चिपका दीजिए। तो ये इस तरह बन गया। ये भी एक डिजाइन हो गया। दल पिट्ठी बनाने के लिए जब फूल बनाइएगा तो थाली में नीचे सूखा आटा थोड़ा डाल लीजिएगा, उसके ऊपर से दल पिट्ठी का फूल बना कर रखिएगा तो थाली में चिपकेगा नहीं। तो देखिए, दाल में हम एक गिलास जो पानी डाल कर रखे थे तो इसे गैस जलाकर चढ़ा दिए हैं डेक्ची में दाल, और इसे बढ़िया से उबालना है। इसमें जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसमें हम दल पिट्ठी रखेंगे। दल पिट्ठी बनाने के लिए हमने आटे का सारा फूल बनाकर ले लिए हैं। तो देखिए, दाल में अच्छे से उबाल आ गए। तो अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे फूल को। देखिए, पिट्ठी को अच्छे से रख के दाल में मिला देंगे और इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। दाल में पहले से नमक था, इसलिए कम ही नमक डालेंगे और इसे बढ़िया से चला के और इसमें दाल में पिट्ठी को पकने देंगे। तो देखिए, दाल का पिट्ठी बनकर तैयार हो गया। दाल में पिट्ठी को 6-7 मिनट पकाए हैं, पककर तैयार हो गया। तो अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस पर रख दिए थे, तो कढ़ाई गर्म हो चुका है। तो इसमें हम सरसों तेल डाल लिए हैं पिट्ठी में तड़का लगाने के लिए। तो सरसों तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे गोटा। जीरा चटक जाएगा तो इसमें हम लाल मिर्च ले लिए हैं 4-5, वो डाल देंगे। उसके बाद कड़ी पत्ता डाल,
उसके बाद छोटे टुकड़े में लहसुन काट कर ले लिए थे 5-6 कली, उसे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह छोटे टुकड़े में काट कर ले लिए हैं, इसे डाल देंगे। और इन सभी को सुनहरा भूनेंगे। भुन गया है तो यहीं पे हम एक मीडियम साइज का टमाटर को इस तरह छोटे टुकड़े में काट कर ले लिए हैं, इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब इसी में हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छे से डालकर मिला लेंगे। यहीं पे धनिया पत्ता डाल देंगे थोड़ा काट कर। देखिए बढ़िया से प्याज टमाटर सभी मसाले अच्छे से भून गए हैं, तो अब इसमें हम पिठी जो बना कर लिए थे इसे डाल देंगे। और डालकर इसे अच्छे से तड़के में मिला लेंगे। तो देखिए दलपिठी में तड़का लगा दिए, तो गैस को अब बंद कर लेंगे और दलपिठी बनकर तैयार हो गया। देखिए दोस्तों बचे हुए दाल में हमने किस तरह आटे से पिठी बनाया है। तो ये पिठी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो हमारा बचे हुए दाल का उपयोग आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे समय जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।